हेलो स्टूडेंट, हमारा फोर्थ वाला एग्जांपल चल रहा था, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस फाइव रेज टू पावर फाइव है, ठीक है, अपॉन एक्स क्यू प्लस 3 रेज टू पावर 3। तो स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल दिया है उसमें जो फंक्शन है ये u बाई वी के फॉर्म में, अगर दो फंक्शन u बाई वी के फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो हमको कौन सा, तो हमको क्वेश्चन रूल यूज करना है। क्वेश्चन रूल क्या है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो कहेंगे वी यानी डिनोमिनेटर यस एक्स क्यू प्लस 3 होल क्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज एक्स क्यू माइनस 5 रेज टू पावर 5 माइनस न्यूमरेटर एक्स क्यू माइनस 5 क्या है ना स्टूडेंट रेज टू पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज एक्स क्यू प्लस 3 रेज टू पावर 3 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वेयर, यानी यहाँ पे आएगा एक्स क्यू प्लस 3 होल क्यू और उसका स्क्वेयर। देखो सुन, यहाँ पे ये आइडर ही जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू पावर 3 इंटू, यहाँ पे xn का फॉर्मूला यूज करना है, क्या आएगा सुन, यहाँ पे आएगा 5 एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू पावर 5 माइनस 1 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो x की जगह ये टर्म है, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस एक्स क्यू माइनस 5 इंटू 5, यहाँ पे भी एक्स एन का फार्मूला जाएगा 3 इंटू एक्स क्यू प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह है एक्स क्यू प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो 3 टू द स्टूडेंट क्या होगा 6, यहाँ पे आएगा एक्स क्यू प्लस 3 रेज टू पावर 3। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ पे 5 एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू पावर 4, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3 एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 0 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू पावर 5, ये जो 3x होने है मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3 एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 0 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर क्या आएगा सेम वही आएगा, इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो स्टूडेंट, न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ रहा है, न्यूमरेटर से देखो इस न्यूमरेटर से ये 5 नहीं कॉमन आ रहा है, थ्री एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं पहले लिख रहा हूं 3x² कॉमन आ जाएगा, उसके बाद और क्या कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये टर्म कॉमन आ रही है स्टूडेंट एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये भी टर्म कॉमन आ रही है एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू पावर 4 इतना सारा कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक ये टर्म बची है एक्स क्यूब प्लस 3 और ये 5 बचा है, यहाँ पे स्टूडेंट 5 आएगा 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, ये तो हो गया स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन ही आ गया था, देखो यहाँ पे भी 3x² है माइनस 3 इंटू ये कॉमन आ गया, अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 4 मैंने कॉमन लिया, पे 5 है तो एक बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू पावर 6, तो 3x². अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 है, ये ब्रैकेट सेम है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 है, इसको मैं अगर कैंसिल करता हूं तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो ये टर्म मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू पावर 4
सॉल्व कर लो, 5x³ + 5 3 = 15 माइनस 3x³ माइनस माइनस प्लस 3 5 = अगेन 15 अपॉन x³ + 3 रेस्ट पावर। अभी यहाँ पे 6 आएगा कि 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि ये 2 यहाँ पे हमने कैंसिल किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप 3x² x³ - 5 रेस्ट पावर 4, 5x³ - 3x³ कितना आता स्टूडेंट, 2x³ + 15 + 15 13 अपॉन x³ + 3 रेस्ट पावर 4, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको और यहाँ से 2 कॉमन लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इतना सॉल्यूशन सफिशियंट है, ठीक है। तो ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स क्यू। तो स्टूडेंट इसमें हमने यू बाई वी का फॉर्मूला यूज करके, क्वेश्चन रूल यूज करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। हेलो स्टूडेंट, अभी फिफ्थ वाला एग्जाम्पल देखो, वी आर टू गिवन दैट 1 + sin² x² 1 + cos² x² 3। देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक ये जो फंक्शन है ये u है, ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये v है, ठीक है। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट, यस प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या आता है प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v अगर है तो ये आता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन इंटू माइनस नहीं प्लस इंटू डेरिविटी ऑफ फर्स्ट फंक्शन। माइनस साइन किस में आता है स्टूडेंट, यस माइनस साइन क्वेश्चन रूल में आता है। ये हो गया प्रोडक्ट रूल, ये हमको यहाँ पे यूज करना है। तो क्या आएगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बाय विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा डी वाई बाय डी एक्स। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है पूरा ब्लैक बोर्ड में आना चाहिए ताकि आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी, ठीक है। तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन हमारा यू है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 + sin² x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, 1 + cos² x है इंटू सॉरी प्लस सेकंड फंक्शन 1 + cos² x³ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो रहा है सस्टन, ये 1 + sin² x² अपॉन डिनोमीटर स्क्वेयर। क्या आएगा स्टूडेंट डिनोमीटर, हमारा डिनोमीटर क्या है, हमारा डिनोमीटर सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है तो डिनोमीटर की जरूरत नहीं है, सॉरी ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं है तो ये एज इट इज आएगा स्टूडेंट 1 + sin² x² डेरिवेटिव, यहाँ पे एक्स एन का फॉर्मूला है तो 3 × 1 + cos² x 3 - 1 = 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 + cos² x प्लस यहाँ पे डी बाय डी एक्स नहीं है स्टूडेंट तो ये एज इट इज ही आएगा 1 + cos² x³ इंटू यहाँ पे भी एक्स एन का फॉर्मूला 2 × 1 + sin² x 2 - 1 = 1 लिखने की जरूरत नहीं है इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin² x कि 1 का sin² x डेरिवेटिव ऑफ 1 + sin² x क्योंकि स्टूडेंट हमारा x x की जगह ये वैल्यू है, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं, ये भी एज इट इज आएगा 1 + sin² x² इंटू स्टूडेंट ये जो 3 है ये मैं पहले लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा 3 × 1 + sin² x² अभी देखो यहाँ पे ये भी एज इट इज आएगा स्टूडेंट 1 + cos² x² डेरिवेटिव ऑफ 1 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos² x। तो स्टूडेंट जब मैं डेरिवेटिव ऑफ cos² x लेता हूँ तो वो क्या बन जाता है, cos x² बन जाता है और उसमें भी स्टूडेंट एक्स एन का फॉर्मूला यूज करना है तो डेरिवेटिव ऑफ cos² x क्या आएगा 2 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x प्लस ये टर्म एज इट इज आएंगे स्टूडेंट 1 + cos² x³ ये जो 2 है स्टूडेंट ये मैं 2 पहले लिख रहा हूं, ठीक है, ये आएगा 2 × 1 + cos² x³ 1 + इसके बाद 1 + sin² x डेरिवेटिव ऑफ 1 = 0 प्लस sin² x का डेरिवेटिव 2 sin x
इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। देखो स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है वो आप लिख सकते हो। देखो थ्री और ये टू, यहां पे पहले माइनस का साइन है तो माइनस थ्री टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन टू एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे लिया है, थ्री यहाँ पे लिया है और टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला है साइन टू एक्स वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ये बचा है स्टूडेंट। उसके बाद प्लस टू एज इट इज लिखा, यहाँ पे भी स्टूडेंट टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन टू एक्स होता है, यहाँ पे आएगा साइन टू एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, मैं यहां से वन प्लस साइन एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स मैंने यहां पे कॉमन लिया स्टूडेंट और वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। तो यहां पे क्या बचेगा स्टूडेंट, यहां पे बचेगा देखो वन प्लस साइन एक्स स्क्वायर यहां से वन चला गया, यहां पे वन बचेगा यानी वन प्लस और स्टूडेंट यहां पे साइन टू एक्स भी कॉमन आ रहा है। देखो यहां पे साइन टू एक्स यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन टू एक्स भी कॉमन। देखो यहां पे स्टूडेंट यहां पे माइनस थ्री वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचा है और स्क्वायर ले लिया मैंने साइन टू एक्स कॉमन, यहां पे टू और स्टूडेंट वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये यहां पे क्यूब है मैंने स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहां पे एक बच जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो स्टूडेंट साइन टू एक्स वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अभी स्टूडेंट इसको हमको सॉल्व करना है मल्टी ब्रैकेट जो है उसको मल्टीप्लीकेट करके, तो कितना आएगा माइनस थ्री थ्री वन जा थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू टू वन जा टू प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट ये टर्म एजरी आएंगी साइन टू एक्स वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अभी यहां पे देखो स्टूडेंट माइनस थ्री प्लस टू कितना होता है माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू होता है माइनस वन, माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू। अभी देखो स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है वन होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मैं यहां पे यूज कर रहा हूं आएगा टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहां पे। तो सुनिए आधी जाएगा साइन टू एक्स वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस वन, अगेन माइनस वन प्लस टू कितना आता है वन, माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू अंदर टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अगेन स्टूडेंट ये आपको एज इज ही लिखना है, ये आएगा साइन टू एक्स वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, अगेन टू प्लस वन थ्री माइनस थ्री साइन एक्स स्क्वायर माइनस टू साइन एक्स स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा माइनस फाइव साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। ठीक है देखो हमने क्या क्या किया था, फर्स्ट जो भी एग्जाम्पल है यू इंटू वी, ठीक है
यू इंटू बी, इसको हमने सॉल्व करके ये फॉर्मूला यूज किया प्रोडक्ट रूल का, और उसके बाद इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई किया। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। देखो सर यहाँ पे माइनस वन था, मैंने यहाँ पे प्लस वन लिखा था, ठीक है। तो ये माइनस वन प्लस टू कितना होता है स्टूडेंट, ये आता है माइनस वन प्लस टू वन, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन, ठीक है। हमने क्या क्या सॉल्व किया था, प्रोडक्ट रूल सॉल्व किया था, प्रोडक्ट रूल सॉल्व करके, ठीक है, हमने ये इसको सॉल्व किया था, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल में कुछ भी डिफिकल्टी आती है, ठीक है, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, थर्ड एग्जाम्पल का ये एग्जाम्पल नंबर है सिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है। यहाँ पे दो फंक्शन दिए है, एक ये फंक्शन है और ये फंक्शन है। दो फंक्शन अगर एडिशन है तो हमको क्या होता है कि इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ता है और इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस रूट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स क्या आता है स्टूडेंट, ये आता है वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला स्टूडेंट दोनों जगह यूज करना है। तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन टू रूट कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी हमारा एफ ऑफ एक्स कौन है, हमारा एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट कॉस रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ हमारा एफ ऑफ एक्स कौन है, हमारा एफ ऑफ एक्स अभी यहाँ पे ही है कॉस रूट एक्स। तो उसमें डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना आता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस साइन एक्स अपॉन टू रूट कॉस एक्स प्लस। देखो सुन यहाँ पे ये डिनोमिनेटर एज इज आएगा टू रूट कॉस रूट एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या आता है स्टूडेंट माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स नहीं है यहाँ पे, क्या है रूट एक्स है। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट माइनस साइन रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, क्योंकि एक्स के जगह क्या था रूट एक्स था। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये आएगा साइन एक्स अपॉन टू रूट कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन रूट एक्स अपॉन टू रूट ऑफ कॉस रूट एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आता है स्टूडेंट वन अपॉन टू रूट एक्स ये आता है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा स्टूडेंट माइनस साइन एक्स अपॉन टू रूट कॉस एक्स माइनस साइन रूट एक्स अपॉन टू टू द फोर फोर और ये रूट एक्स यहां पर लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। तो ये हो गया स्टूडेंट इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें फर्स्ट कौन से दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, इसमें ये दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स और सेकंड यहाँ पर भी डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स, लेकिन उसके बाद इसका भी मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स वन अपॉन टू रूट कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट ऑफ कॉस रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स। अभी यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आता है माइनस साइन एक्स अपॉन टू रूट कॉस एक्स प्लस अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे वन अपॉन वन अपॉन टू रूट कॉस रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स उसके बाद प्लस माइनस माइनस साइन रूट एक्स अपॉन टू रूट कॉस रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होता है स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आता है वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स। उसके बाद ये टर्म एज इज लिखी है माइनस टू इंटू टू फोर और ये रूट एक्स पहले लिखा है और साइन रूट एक्स इंटू अपॉन कॉस रूट एक्स। तो ये था स्टूडेंट हमारा जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का सोल्यूशन, ठीक है। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट
थर्ड एग्जाम्पल का सेवन वाला एग्जाम्पल, ये फर्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज है इसलिए ऑलमोस्ट एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैं खुद सॉल्व करके दे रहा हूँ। उसके बाद उसमें से सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज, उसके बाद जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती है वैसे वैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। बढ़ते सेवन एग्जाम की तरफ तरफ, इसमें दिया आपको वाई इक्वल टू लॉग सिक्स थ्री एक्स प्लस टेन थ्री एक्स, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है। हमारा एक्स क्या है स्टूडेंट, हमारा एक्स के जगह अक्कल चलाओ ना, हमारा एक्स यहाँ पे क्या है सिक्स थ्री एक्स प्लस टेन थ्री एक्स है। तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन लॉग एफ ऑफ एक्स क्या आता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स आता है वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स आता है। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट हमको यहाँ पे यूज करना है। तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग सेक थ्री एक्स प्लस टैन थ्री एक्स। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स क्या आता है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये आएगा वन अपॉन लॉग सेक थ्री एक्स प्लस टैन थ्री एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है सेक थ्री एक्स प्लस टैन थ्री एक्स वन अपॉन लॉग, तो यहां पे सिक्स थ्री एक्स था लॉग सिक्स थ्री एक्स प्लस टेन थ्री एक्स, यहां पे लॉग की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, हमारा एफ ऑफ एक्स ही है तो वन अपॉन सिक्स थ्री एक्स प्लस टेन थ्री एक्स यही आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सिक्स थ्री एक्स। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे दो फंक्शन का एडिशन है तो इसका भी डेरिवेटिव आएगा और इसका भी डेरिवेटिव आएगा। तो sec 3x का डेरिवेटिव क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ sec x, sec x into tan x, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे आएगा sec 3x into tan 3x into डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x। तो डेरिवेटिव ऑफ sec tan 3x क्या आएगा यस sec square 3x into डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 आएगा। तो अभी देखो स्टूडेंट यहां से कॉमन क्या आ रहा है, थ्री कॉमन आ रहा है और sec 3x कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थ्री sec 3x कॉमन, ये तो एज इट इज आएगा स्टूडेंट sec 3x प्लस tan 3x। देखो यहाँ पे स्टूडेंट थ्री और sec 3x मैंने कॉमन लिया, अभी यहाँ पे आएगा tan 3x प्लस थ्री कॉमन आ गया से, तो यहाँ पे क्या बचेगा sec 3x। तो स्टूडेंट ये टर्म और ये टर्म सेम है क्या, हाँ सेम ही है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट थ्री से थ्री एक्स, ये हो गया स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। इस एग्जांपल में ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं था, इसमें क्या करना था ये फॉर्मूला यूज करना था लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इनटू योर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये एफ डैश एक न्यूमरेटर में आ जाएगा। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। हेलो स्टूडेंट, थर्ड एग्जाम्पल का एट वाला एग्जाम्पल देख लो, क्या दिया हमको फंक्शन में वन प्लस साइन एक्स टू पावर जीरो अपॉन वन माइनस साइन एक्स टू पावर जीरो, एक्चुअली स्टूडेंट एक्स टू पावर जीरो नहीं है एक्स डिग्री है, और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं तब हमको जो वैल्यूज है वो डिग्री में नहीं लेनी है रेडियन में लेनी है। तो एक्स डिग्री की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, यहाँ पे डब्ल्यू के टी लिखा है, डब्ल्यू के टी मीनिंग वी नो दैट, ठीक है। तो एक्स डिग्री की वैल्यू आती है पाई एक्स अपॉन 180 और ये सी रेडियन का सिंबल है, तो सी लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो दो फंक्शन दिए ये फंक्शन किस फॉर्म में है, ये फंक्शन u बाई v के फॉर्म में है। अगर दो फंक्शन u बाई v में है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पोइसन रूल यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ स्टूडेंट u बाई v क्या आता है डिनोमीटर इंटू डेरिविटी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिविटी ऑफ डिनोमीटर अपॉन डिनोमीटर स्क्वेयर, ठीक है। ये फॉर्मूला स्टूडेंट हमको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो क्या आएगा स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वी यानी वन माइनस साइन एक्स इंटू डेरिविटी ऑफ न्यूमरेटर वन प्लस, अभी स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमीटर वन माइनस साइन एक्स इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है वैल्यू
pi x upon 180, डिनोमिनेटर इंटू डेरिविटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है स्टूडेंट 1 प्लस साइन x ये है, तो इसकी भी वैल्यू लिख रहा हूं स्टूडेंट पाई एक्स अपॉन 180 माइनस u, u यानी 1 प्लस साइन x, तो x की वैल्यू पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डेरिविटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट ये है 1 माइनस साइन एक्स डिग्री की वैल्यू पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन क्या आया था स्टूडेंट अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट ये टर्म एजिडी दी आएंगी 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180, यहाँ पे डेरिविटिव ऑफ वन कितना आता है स्टूडेंट डेरिविटिव ऑफ वन आता है 0 क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नंबर है, तो 0 प्लस डेरिविटिव ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे स्टूडेंट एक्स की जगह ये नंबर है तो डेरिविटिव ऑफ साइन एक्स क्या आता है कॉस एक्स आता है, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डेरिविटिव ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डेरिविटिव ऑफ 1 0 माइनस डेरिविटिव ऑफ साइन एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डेरिविटिव ऑफ यस पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वेयर 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स ना पाई बाय 180 तो कॉन्स्टेंट टर्म है डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 आता है, तो यहां से स्टूडेंट यहां से क्या आ रहा है यहां से पाई अपॉन 180, तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं इसे स्किप कर रहा हूं कि यहां पे ब्लैकबोर्ड पे स्पेस कम है ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 1 आता है तो पाई अपॉन 180 यहां पे बच गया वो मैं पहले लिख रहा हूं पाई अपॉन 180। उसके बाद स्टूडेंट ये टर्म लिख रहा हूं 0 ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे आएगा कॉस पाई एक्स अपॉन 180 और ये टर्म 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 माइनस देखो स्टूडेंट यहां पे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया इसका डेरिवेटिव पाई अपॉन 180 क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा। उसके बाद ये टर्म लिख रहा हूं मैं माइनस माइनस प्लस ही हो गया यहां पे आएगा कॉस पाई एक्स अपॉन 180 और ये 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है बताओ मुझे कॉमन क्या क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है स्टूडेंट पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180 ये कॉमन आ रहा है और ये भी कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से, तो पाई अपॉन 180 और कॉस पाई एक्स अपॉन 180 कॉमन आ गया न्यूमरेटर से ठीक है, तो लेफ्ट हैंड फर्स्ट टर्म से क्या बचा 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 ये बचा प्लस यहां से ये तो कॉमन ही आ गया ये बचा 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 होल स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट इसमें से ये टर्म और ये टर्म अपोजिट साइन है तो कैंसिल होगी 1 प्लस 1 2 पाई एक्स अपॉन 180 कॉस पाई एक्स अपॉन 180 ये टर्म कैंसिल होगी 1 प्लस 1 2 यहां पे लिखा है मैंने अपॉन 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 होल स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल जो भी फंक्शन आपको दिया है
उस फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे ब्लैकबोर्ड में स्पेस कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा लिखा नहीं है। इस एग्जांपल को आपको लास्ट में एक्स डिग्री है सॉरी एक्स डिग्री के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। इसकी वैल्यू आएंगी एक्स डिग्री, इसकी भी वैल्यू आएंगी और यहाँ पे टू एक्स डिग्री, इसकी वैल्यू एक्स डिग्री और यहाँ पे भी एक्स डिग्री साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था स्टूडेंट। यहाँ पे याद रखो कि एक्स डिग्री की वैल्यू क्या आती है, पाई एक्स अपॉन 180, ये रेडियन में वैल्यू आती है। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, गिवन दैट कॉट लॉग एक्स बाय 2 माइनस लॉग कॉट एक्स बाय 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा जो लॉग एक्स बाय 2 है एफ ऑफ एक्स है और कॉट एक्स बाय 2 ये भी एफ ऑफ एक्स है। तो पहले डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एफ ऑफ एक्स क्या आता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एफ ऑफ एक्स आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स आपको बताइए 1/x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ y और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ cot log x by 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ, मैं सेपरेट लिख रहा हूँ डेरिवेटिव। ठीक है, cot x by 2। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है लॉग एक्स बाय 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बाय 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन कॉट एक्स बाय 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है cot x by 2। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस cosec स्क्वायर log x by 2, अभी 1 by 2 तो स्टूडेंट कॉन्स्टेंट नंबर है तो डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x आएगा 1 अपॉन 2x, 1 by 2 कॉन्स्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x माइनस ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ यहाँ आएगा 2 cot x, तो 1 by 2 कॉन्स्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ cot x कितना आता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ cot x आता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट कॉमन आ रहा है सॉरी ये 2 कैंसल, तो माइनस कॉमन ही लेते हैं माइनस 1 by 2 x cosec स्क्वायर log x by 2 माइनस माइनस प्लस। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे cot x है, ठीक है, अगर मैं cot x को इस फॉर्म में लिख रहा हूं, इस फॉर्म में cos x अपॉन sin x के फॉर्म में, ठीक है, और cosec स्क्वायर x क्या आता है 1 अपॉन sin स्क्वायर x आता है। इसको भी सॉल्व कर लो स्टूडेंट, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो माइनस 1 अपॉन 2x cosec स्क्वायर log x बाय 2। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे इस साइन x को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं तो ये आएगा साइन अपॉन cos, यहाँ पे आएगा साइन x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 2 एक्स कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स अपॉन, ये साइन तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहां पे आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्टी होंगी तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। हेलो स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल हमने जो लिखा है वो सही है, लेकिन फेसबुक में जो आंसर दिया है ठीक है उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये cosec स्क्वायर x है, ये ऑलरेडी इसे हाजिरी रहने दो, cosec स्क्वायर x ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, साइन अपॉन cos ये कितना आता है, आता है tan, तो tan x इंटू कोसेक स्क्वायर x।
ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो आंसर था ये आंसर टेक्स्ट बुक के हिसाब से, अदरवाइज आपने जो पहले मैंने लिखा था वो भी अगर आपने लिख लिया तो भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल।